हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अस्मिता कुक फैन फिक्शन। मिस्टर किम सेल्फ कप सीजन 2 पार्ट 1 स्टार्ट करने वाले हो। और ऐसा नहीं है कि कोई भी हार्टलेस पर्सन इतनी ज़्यादा जल्दी स्वीट बन जाता है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। तो इसी हिसाब से वो इस तरह से एंड हो गया था। एनीवे, मेन वीडियो पर फोकस करते हैं, तो फिर चले स्टार्ट करते हैं। डोंग जब अपने मेंशन में वापस आता है, तब वो अपने कोल्ड फेस के साथ हॉल रूम से जा रहा था, तभी तंग की 3 ईयर की डॉटर तंग के पास आ जाता है और तंग की लेग्स को हक कर लेता है। तब तंग अपनी जगह पर रुक जाता है और अपने कोल्ड फेस के साथ नीचे की तरफ देखता है। तब वो अपने डॉटर को देखकर तंग उसे सॉफ्टली खुद के पास से दूर करने लगता है, पर वो बिल्कुल भी तंग के पास से दूर नहीं जाना चाहता था। तब तंग अपनी कोल्ड वॉइस में अपने डॉटर को कहता है, मेरे पास से दूर जाओ वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। पर उसे भी अपनी पप्पिया इससे तंग की तरफ देखने लगता है और स्माइल करने लगता है, जैसे तंग कोई फनी जोक कह रहा था। तब तंग को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, क्योंकि तंग को पता है, उसे सब कुछ पता है, और वो सिर्फ तंग को गुस्सा दिलाने के लिए हंस रहा है। तब तंग फिर से अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मेरे पास से दूर जाओ। तभी तन वहाँ पर आ जाता है और वो अपने सिस्टर को तंग के पास से दूर खींचते हुए लेकर जाता है और तंग की तरफ गुस्से से देखने लगता है। तब तंग इसे देखकर एक लंबा सांस छोड़ता है और उसके बाद ऊपर की तरफ चला जाता है। तब तन गुस्से से अपनी सिस्टर को कहता है, तुम क्या मैड हो, तुम उस हार्टलेस के पास क्यों गए थे, वो एक बैड पर्सन है और हम लोग कभी भी बैड पर्सन के पास नहीं जाएंगे, ठीक है, समझ में आई मेरी बात, दोबारा से ऐसा कभी भी मत करना, वरना देखना मैं तुम्हारे साथ और कभी भी गेम्स नहीं खेलूंगी। तंग फ्रेश होने के बाद वो जब नीचे डिनर के लिए आता है, तब तंग देखते हैं डिनर टेबल पर सब लोग ही था, सिर्फ जंगकुक नहीं था। तब तंग जिनकी तरफ देखते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मैं आने के बाद से मैं जंगकुक को नहीं देखा हूँ, वो कहाँ पर है। तब तुरंत जिन कहता है, जंगकुक को थोड़ा ठीक फील नहीं हो रहा था, उसे थोड़ा सा हेडेक था, इसी वजह से वो रूम में है। तब तंग कहता है, ओके मैं चेक करने जा रही हूँ, और ये क्या करता हूँ जल्दी से अपने सिर से उठ जाता है और वो जंगकुक के रूम की तरफ चला जाता है। तब तंग जाकर देखता है उसकी डॉटर जंगकुक के साथ था और तंग को ये देखकर थोड़ा सा गुस्सा आने लगता है, क्या वो जंगकुक को डिस्टर्ब कर रहा है। फिर तंग अपनी कोल्ड वॉइस में जंगकुक की तरफ देखते हुए कहता है, तुम ठीक हो। तब जंगकुक तंग को जब उसके रूम में देखता है, तब वो बहुत ही ज़्यादा घबरा गया था और वो तुरंत कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। तब तंग कहता है, तो फिर डाइनिंग टेबल पर नहीं आए थे क्यों। तब जंगकुक कहता है, सिर्फ नॉर्मल सा हेडेक फील हो रहा था और कुछ भी नहीं। तब तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तो फिर अब तुम यहाँ पर अपने डॉटर के साथ अगर बातें करोगे तो फिर तुम्हें क्या पेन नहीं होगा। तब जंगकुक कहते हैं, उसकी एक नेम है। तब तंग कहता है, मैं क्या नहीं करती हूँ, उसकी क्या नेम है। तब जंगकुक एक लंबा सांस तोड़ता है और कहता है, अगर क्या नहीं करते हो तो फिर कम से कम उसके सामने इस तरह से अपने टोन को मत रखा करो। तब तंग गुस्से में आते हुए कहता है, तुम जानते हो मुझे तुम्हारी ये टोन बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तुम मेरे सामने सिर्फ और सिर्फ चुप रहोगे, मैं जो बोलूँगी तुम्हें सिर्फ सुनना है, क्योंकि तुम भूल मत जाओ तुम स्टार्टिंग से यहाँ पर मुझे सिर्फ खुद को सर्व करने के लिए थे। मैं तुमसे शादी इसलिए क्या हो एंड में जाकर, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ तुम यहाँ से फिर से भाग पाओ, इसी वजह से बन, और कोई भी रीज़न नहीं है, तुम अभी भी मुझे सर्व कर रहे हो और तुम सिर्फ मेरे पास रहने के टाइम पर अपनी माउथ को जितनी ज़्यादा हो सके कंट्रोल करोगे, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा और तुम्हारी दोनों शैल के लिए भी और स्पेशली तुम्हारी बिग सन के लिए भी, क्योंकि वो दिन दिन मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा अपने टोन को यूज़ कर रहा है जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा मेरे साथ रूड बिहेव करने की ट्राई कर रहा है जिसे मैं इग्नोर कर रही हूँ, तो फिर तुम अपने सन को संभालो और उसे कंट्रोल में लेकर आओ और खुद की टंग को भी। तब जंगकुक ये सुनकर चुप हो जाता है और वो कहते हैं, वो आगे से तुम्हारे साथ बातें नहीं करेगा। तब तंग कहते हैं, दैट्स गुड, मैं ऐसे भी क्या नहीं करती हूँ, कौन मेरे साथ बातें करेगा या तो नहीं करेगा। तब ये सुनकर जंगकुक फिर से नीचे की तरफ देखने लगता है। तब तंग की डॉटर इस बार तंग की बातों से डरने लगता है और वो जंगकुक को हक कर लेता है। तब
तब इसे देखकर उसे थोड़ा सा जेलस फील हो रहा था कि उसकी खुद की सन और खुद के डॉटर की उजंग को कितने ज़्यादा क्लोज हैं। उसे नहीं पसंद कि ये दोनों जंग को कितने ज़्यादा क्लोज हो जाए। फिर तंग अपने काम वॉयस में कहते हैं, एनीवे मैं तुम्हारे डिनर को रूम में भेज रही हूँ, जल्दी से कर लेना और मेडिसिन भी ले लेना। हरे क्या करते हैं, रूम से बाहर चला जाता है। तब जंगकुक रूम के डोर की तरफ देखता है जहाँ से तंग जा रहा था। तब जंगकुक एक लंबा सांस तोड़ते हुए कहता है, ए इंसान कभी भी एक इंसान नहीं बन सकता है, पहले भी एक मॉन्स्टर था और अभी भी एक मॉन्स्टर और हार्टलेस है और फ्यूचर में भी रहेगा। और तंग अपने खुद के भी डिनर करके उसके बाद अपने रूम में चला गया था और वो रूम में जाकर अपने वर्क करने लगता है क्योंकि तंग को बिल्कुल भी स्लीपी फील नहीं हो रहा था। और वो अपने वर्क करते करते रात के 2 बजे देता है और उसके बाद तंग अपने सारे वर्क को फिनिश करके लैपटॉप को साइड में रख देता है और वो टाइम को चेक करके सोने की ट्राई करता है। पर उसके बाद भी तंग को नींद नहीं आ रहा था और 3 बज गया था और इसे देखकर तंग गुस्से में आ जाता है। वो पूरी तरह से टायर्ड था पर वो सो ही नहीं पा रहा था। फिर तंग एक लंबा सांस तोड़ते हुए बेड से उठ जाता है और उसके बाद तंग सोले सोले बेड से उठते हुए जल्दी से नीचे की तरफ चला जाता है और वो जंगकुक के रूम के पास जाते हुए एक लंबा सांस तोड़ता है और डोर को ओपन करके चुपचाप रूम के अंदर जाता है। तब वो जाने के बाद देखता है जंगकुक पीसफुली सो रहा था और उसके साथ जंगकुक के डॉटर जो जंगकुक और तन के बीच में सो रहा था। तब इसे देखकर तंग चुपचाप जंगकुक के कॉर्नर पर चला जाता है और जंगकुक के पास जाते हुए जंगकुक की वेस्ट के अराउंड सोले सोले अपने हाथ को ग्रैप कर लेता है और उसे हग करके सोने की ट्राई करता है। तब जंगकुक जो अचानक से टर्न हो जाता है और वो टर्न होकर तंग के क्लोज आकर उसे हग कर लेता है, वो भी एक कोला बियर की तरह। इसे देखकर तंग जंगकुक को अपने और भी ज़्यादा पास खींच लेता है। तब जंगकुक और तंग जो एकदम से क्लोज था, जंगकुक की फेस तंग के हिस्से में था और तंग जंगकुक को हग करके अपने आइस को बंद कर लेता है और कुछ ही मिनट के अंदर वो पीसफुली सो जाता है। नेक्स्ट डे सुबह जंगकुक जब नींद से उठता है तब वो अचानक से फील करता है वो किसी को हग करके रखा है। तब जंगकुक सोले सोले अपने आइस को ओपन करता है और वो तंग की सिस को देख रहा था जो शार्टलेस था। तब इसे देखकर जंगकुक पूरी तरह से शॉक था और वो सोले सोले अपने फेस को ऊपर की तरफ उठाते हुए जब उस पर्सन की फेस को देखता है तब वो तंग को देखकर पूरी तरह से शॉक था। तंग उसके रूम में था, वे पूरी तरह से शॉकिंग था क्योंकि तंग कुछ सालों से जंगकुक के साथ फिर से नाइट में इंटीमेट होने के बाद हमेशा चला जाता था क्योंकि उसको वर्क था। पर आज बिना कोई इंटीमेट की तंग यहाँ पर है, उसे हक कर लिया है, तो फिर ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। और जंगकुक सोली सोली तंग के हाथ को अपने वेस्ट के अराउंड से हटाने की ट्राई करता है। तब तंग जंगकुक को अपने डीप वॉइस में कहता है, मूव मत करो बेबी बॉय। तब इस सुनकर जंगकुक अपनी जगह पर ही फ्रीज हो जाता है और वह बिल्कुल भी मूव नहीं करता है। और तंग जैसा चाहता था वो ऐसे ही बेड पर लेटा रहता है। फिर 1 घंटे बाद तंग अपनी नींद सूट जाता है और उठने के बाद वो जंगकुक की तरफ देखता है जो अभी भी उसकी तरफ ही देख रहा था। तब तंग सोले सोले अपने हाथ जंगकुक के वेस्ट के अराउंड से हटाने की ट्राई करता है। तब जंगकुक खुद भी तंग के पास से दूर चला जाता है। तब तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम्हारी हेडेक क्या अभी भी है? तब जंगकुक तुरंत कहता है, नहीं अब ठीक है। तब तंग अपने लिप्स को लिख करते हुए कहता है, तो फिर टुडे नाइट खुद को रेडी करके रखना। तब जंगकुक की हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाता है पर वो सोले हमें अपना सिर हिला देता है। फिर तंग जंगकुक को कहता है, एनीवे मैं जा रही हूँ। ये कहकर तंग अपने रूम से बाहर चला जाता है। तब जंगकुक एक लंबा सांस तोड़ता है और वो बेड के दूसरे साइड देखता है जहाँ पर उसकी सन और डॉटर कोई भी नहीं था। तब इसे देखकर जंगकुक कॉन्फ्यूज था कि वो दोनों कहाँ पर चला गया है और वो जल्दी से बाहर आकर देखने लगता है कि वो लोग कहाँ पर गया था। तब जंगकुक आकर देखता है वो लोग जिनके साथ बातें कर रहा था और जो जंगकुक की डॉटर था वो जिमिन के साथ खेल रहा था। तब इसे देखकर जंगकुक एक लंबा सांस तोड़ता है और वो थोड़ा सा खुश फील कर रहा था। तब जिमिन जंगकुक को देखकर स्माइल करते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग जंगकुक, तुम आज थोड़ा सा लेट उठे हो। तब
तन अपने आइस को रोल करते हुए किया था। वो हार्टलेस मॉन्स्टर हमारे रूम में गया था। तब तुरंत जिमिन कहता है, तन तुम्हें नहीं लगता तुम अपने डैड के बारे में बैड वर्ड यूज कर रहे हो। तब तन कहता है, मैं क्या नहीं करती हूँ, वो एक बैड पर्सन है, वो कभी भी मेरे साथ बातें नहीं किया है, हमेशा कोल्ड रहता है और कभी कभार मुझे डांटने की ट्राई करता है। उसकी इतनी ज़्यादा हिम्मत कि वो मुझे डांटने की ट्राई करता है। उसे पता भी है कि मैं अगर कुछ चाहता हूँ तो फिर मैं करके ही रहती हूँ। तब जिन कहता है, मुझे लगता है तन के अंदर एक लिटिल टॉन्ग भी है। तब तन गुस्से से कहता है, उस हार्टलेस पर्सन के नाम ही मत लेना। तब जंकू कहता है, तन कल मुझे वार्निंग मिला है, तुम ज़्यादा बातें कर रहे हो, उसके बारे में मत बातें करो प्लीज़, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। तब तन ये सुनकर चुप हो जाता है। फिर जिमिन कहते उसे डांटो मत। तब जंकू कहते मैं डांट नहीं रही हूँ, कल मुझे तंग वार्निंग क्या था कि तन आगे से इस तरह से बातें नहीं करेगा। तब तन कहता है, तो फिर वो चाहता है मैं उसके सर्वेंट बन जाऊँ। तब जंकू कहते हैं, नहीं तुम उसके सर्वेंट नहीं बन रहे हो, सिर्फ थोड़ा सा चुप रहो, मैं नहीं चाहता हूँ कि वो तुम्हें भी बोर्डिंग स्कूल में भेज दे। तब तन खुद भी चुप हो जाता है। तब जिन थोड़ा सा सैड हो जाता है बोर्डिंग स्कूल के बारे में सुनकर, क्योंकि उसके भी डॉटर वहाँ पर था पर वो कुछ भी नहीं कर सकता है। फिर तन अपनी धीमी आवाज में कहता है, ओके मैं और बातें नहीं करूँगी उस हार्टलेस के बारे में। तब इस सुनकर जंकू खामे अपने सिर हिला देता है। फिर जिमिन कहते हैं, देखो तुम अपने खुद के सन को सेट कर दिया हो। तब जंकू कहते हैं, मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, मैं खुद मजबूर हूँ, मुझे पता है तन एक गुड बॉय है पर वो नहीं देख सकता है। तब ये सुनकर जिमिन और जेन एक साथ हमें अपने सिर लाता है। तब जिमिन जंकू की डॉटर को अपने गोद में लेते हुए फ्लोर से उठ जाता है और जंकू को कहता है, ओके तुम फिक्र मत करो, जल्दी से जाकर फ्रेश हो जाओ, ऐसे भी ब्रेकफास्ट के टाइम हो रहा है और मैं तुम्हारी इस लिटिल क्यूटी पाई को संभाल लूँगी। तब जंकू स्माइल करता है और हमें अपने सिर हिलाते हुए फिर से अपने रूम की तरफ वापस चला जाता है, जहाँ पर गार्ड अभी भी था। गार्ड जंकू को देखकर तुरंत नीचे की तरफ देखने लगता है। तब जंकू जल्दबाजी में रूम के अंदर चला जाता है। फिर जिमिन तियान को लेकर अपने रूम की तरफ जाता है क्योंकि उसे शुगा को उठाना भी था। फिर वो जाने के बाद देखता है शुगा बेडरूम में नहीं था। तब इसे देखकर जिमिन सोचता है शायद शुगा फ्रेश होने के लिए गया है। पर जिमिन जब बाहर की तरफ जाने की ट्राई करता है तभी शुगा बाथरूम से बाहर आते हुए अपनी फुल वॉइस में कहता है, जिमिन तुम कहाँ पर जा रहे हो। तब जिमिन पीछे की तरफ टर्न होता है और वो देखता है शुगा जो फ्रेश होकर बाथरूम से बाहर आ गया था। तब शुगा तियान को जिमिन के साथ देखकर अपनी कोल्ड वॉइस में कहते हैं, तुम सच में मेरी बातों को कब फॉलो करोगे जिमिन। तब जिमिन कन्फ्यूज होते हुए कहते हैं, मैं इस बार कोई भी गलती नहीं किया हूँ, तुम मेरे साथ इस तरह से कैसे बातें कर सकते हो। तब शुगा अपनी कोल्ड वॉइस में कहते हैं, किस तरह से बातें कर रही हो, मैं कहाँ हूँ ना, तुम ताऊ की फैमिली से दूर रहोगे। तब तुरंत जिमिन कहते हैं, पर हम सब लोग एक साथ हैं। तब योंगी कहते हैं, हम सब लोग एक साथ हैं पर तुम एक साथ नहीं रह सकते हो, सिर्फ मैं तेंग और आरएम एक साथ है क्योंकि हम लोगों को वर्क एक साथ करना पड़ता है पर तुम लोग एक साथ नहीं रह सकते हो। तब तुरंत जिमिन कहते हैं, तुम्हें नहीं लगता ये हार्टलेस बन रहा है, तुम क्या चाहते हो शुगा कि मैं रूम में सिर्फ और सिर्फ एक न्यू ब्राइट की तरह बैठे रहो जो कभी भी अपने रूम से बाहर नहीं जाता है, तो मैं ऐसे ही चाहती हूँ कि मैं एवरी डे रूम में बंदी बनकर हूँ, मेरी क्या कोई हैप्पीनेस नहीं है, मैं तुम्हारे लिए और कितनी ज़्यादा मेरी हैप्पीनेस को छोड़ दूँ, तुम क्या मुझे बोल सकते हो, प्लीज़ अब इस तरह से मत बोलो, ये सिर्फ एक लिटिल डॉटर है और तुम्हें क्या जेलस फील करना चाहिए लाइक सीरियसली एक डॉटर से। तब तुरंत शुगा कहते हैं, इससे तुम्हारी ध्यान मेरी तरफ नहीं आता है, सिर्फ ध्यान की तरफ आता है। तब जिमिन हंसते हुए कहते हैं, थैंक गॉड तुम्हें उसके नाम तो पता है क्योंकि उसके खुद के डैड को उसके नाम तक नहीं पता। तब योंगी कहते हैं, तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ, ये ताऊ की प्रॉब्लम है मेरा नहीं। तब तुरंत जिमिन कहते हैं, तुम शांत हो, तुम सब लोगों की प्रॉब्लम क्या है, तुम थ्री ब्रदर पूरी तरह से हार्टलेस हो, तुम लोगों के अंदर कोई फीलिंग ही नहीं है। तब
योंगी कहता है, मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। हम लोग के अंदर अगर फीलिंग नहीं है तो फिर मैं किसी को फीलिंग ले आने के लिए फोर्स नहीं कर सकती हूँ। तब जिमिन कहता है, कम से कम एक इंसान की तरह बिहेव क्या करूँ, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। तब योंगी एक लंबा सांस लेता है और कहता है, त्यान को सिर्फ खुद की इतनी ज़्यादा क्लोज मत आने दो, वरना वो भूल जाएगा कि उसकी खुद के रियल मॉम डैड हैं, ना कि तुम उसकी मॉम हो। तब तुरंत जिमिन कहता है, त्यान को पता है कि मैं उसकी मॉम नहीं हूँ और तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं मेडिसिन एवरी डे ही लेती हूँ, तो फिर हम दोनों कभी भी पेरेंट्स नहीं बनेंगे जैसा तुम चाहते थे। तो फिर मुझे कम से कम किसी और के बेबी के साथ थोड़ा सा हैप्पीली टाइम स्पेंड करने दो। तुम सुबह सुबह बिना कोई रीज़न के साथ मेरे साथ झगड़ा कर रहे हो, जल्दी से बाहर आकर अपने ब्रेकफास्ट को कर लेना। और ये कहकर जिमिन रूम से बाहर की तरफ चला जाता है। तब ये उनके एक लंबा सांस लेता है और कहता है, सच में ये बॉय दिन दिन अब मेरी हाथ से निकालने की ट्राई कर रहा है, उसे मुझे एक सबक सिखाना ही होगा। और ये कहकर ये उनके एक लंबा सांस लेता है। और जिन जब कुकिंग कर रहा था तब उसे आरएम अचानक से पीछे से आकर हक कर लेता है। तब जिन बहुत ज़्यादा शौक था पर वो कुछ भी नहीं कहता है। तब आरिम जिन को कहता है, तो मुझे कोई भी आंसर नहीं किया। तब जिन कहता है, मैं कुकिंग पर फोकस कर रही हूँ। तब ये सुनकर आरिम तुरंत जिन को कहता है, जल्द ही समर वेकेशन आने वाला है। तब तुरंत जिन एक्साइटेड होते हुए कहता है, तो फिर मेरी डॉटर आ सकता है। तब ये सुनकर आरिम कहता है, इतने टाइम से तो मेरे साथ कोई भी बातें नहीं कर रहे थे, अचानक से तुम्हें क्या हो गया है, मुझे बोलो तुम अचानक से इतने ज़्यादा एक्साइटेड क्यों लग रहे हो। तब जिन तुरंत कहता है, नहीं मैं एक्साइटेड नहीं हूँ, मैं तो थोड़ा सा गुस्से में हूँ, क्यों आने के बाद मुझे डिस्टर्ब करेगा। तब आरिम कहता है, तो फिर उसे मैं लेकर नहीं आऊँगी, तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। तब तुरंत जिन कहते हैं, नहीं उसे आने दो। तब आरिम कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो। तब जिन कहते हैं, उसे आने दो क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि उसे क्या कोई तमीज़ हुआ है या फिर नहीं, अभी भी वो एक बदतमीज डॉटर ही है। तब ये सुनकर आरिम कहता है, वो किस तरह से तुम चाहते हो। और ये कहकर आरिम जिन की नेक पर किसेस करने लगता है। तब जिन अपने हाथ को मुट्ठी में बदल लिया था। जिन अपनी डॉटर को देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है, पर उसे पता है अगर वो ज़्यादा अपनी एक्साइटमेंट दिखाने की ट्राई किया तो फिर नेक्स्ट ईयर की तरह ही आरिम इस बार भी उसे समर वेकेशन पर लेकर नहीं आएगा। जंगुक फ्रेश होकर जब अपनी क्लोथ पहनकर बाथरूम से बाहर आता है, तब वो पहले जो चीज़ नोटिस करता है उसे पूरी तरह से फ्रीज कर देता है, क्योंकि ताऊ जंगुक के बेड पर बैठा हुआ था और तन ताऊ की तरफ अपने कोल्ड आइस के साथ देख रहा था, और ताऊ खुद भी तन की तरफ अपने कोल्ड आइस के साथ देख रहा था, जैसे वो दोनों ही एक दूसरे को अपने आइस से ही मानना चाहता है। तब इसे देखकर जंगुक पूरी तरह से शॉक हो जाता है और जल्दबाजी में आकर ताऊ को तुरंत हक कर लेता है और ताऊ की फेस को अपने सिस में छुपा लेता है। तब ताऊ कोई भी आंसर नहीं करता है, पर वो जंगुक की वेस्ट के अंदर अपने हाथ को ग्रैप कर लेता है। तब इसे देखकर तन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि उसकी मॉम उसे क्यों हक नहीं किया था, क्यों उसके डैड को हक किया है जो एक हार्टलेस के अलावा कुछ भी नहीं है। और इसे देखकर उसे बहुत ही ज़्यादा ब्रोकन फील होने लगता है। तब जंगुक घबराते हुए कहते हैं, प्लीज़ उसे माफ़ कर दो। तब ताऊ अपने कोल्ड वॉइस में कहता है, मैं कहा था वो मेरे साथ कोई भी पंखा ना ले, पर फिर भी आई थिंक मुझे लगता है उसने ये बिल्कुल भी मेरी बातों को सुनाई नहीं दिया था। तब जंगुक कहते हैं, मैं उसे समझा रही हूँ, उसे थोड़ा सा टाइम लगेगा प्लीज़। तब ताऊ मुँह कह देता है और उसके बाद वो अपने हाथ सोले सोले जंगुक के शर्ट के नीचे लेकर जाता है और उसकी न्यूड बैग को रफ करने लगता है। तब जंगुक एकदम से फ्रेश था, वो ताऊ के हाथ को हटाना चाहता है क्योंकि यहाँ पर उसके सन है, पर तंग ऐसा कर रहा था और तन जो अपनी इमोशनल लेस फेस के साथ सब कुछ देख रहा था। तब ताऊ और आगे जा पाता, जंगुक तुरंत ताऊ के हाथ को पकड़ लेता है और तुरंत कहता है, यहाँ पर तन है। तब ताऊ अपने फेस को जंगुक के सिर के पास से हटाते हुए वो तन की तरफ अपने कोल्ड आइस के साथ देखने लगता है। तब तन अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मैं तुमसे नहीं डरती हूँ हार्टलेस पर्सन, ये बात याद रखना। तब तंग अपने कोल्ड वॉइस में कहता है,
अगर तुम अपने माउथ से एक भी शब्द निकाले तो फिर मैं तुम्हें मारने के लिए एक भी सेकेंड वेस्ट नहीं करूँगी। तब ये सुनकर तन हंसते हुए कहता है, मैं क्या नहीं करती हूँ। तब तंग तन को कहते हैं, शायद तुम्हारे अंदर ज़्यादा ही हिम्मत है, पर तुम्हें पता होना चाहिए मैं तुम्हारी डैड हूँ और मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तब तन सिर्फ अपना आइस को रोल कर लेता है। तब इसे देखकर तंग को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। तब जंगकुक तुरंत तंग के चिन को पकड़ लेता है और उसे टन करते हुए फिर से अपनी सिस में उसकी फेस को छुपा लेता है। तब तंग फोर्स नहीं करता है अपनी फेस को बाहर निकलने के लिए। फिर जंगकुक थोड़ा सा झुकते हुए तंग के कान के पास अपनी शेकिंग वॉइस में उस पर करते हुए कहता है, मैं उसे बाहर देकर आती हूँ और उसके बाद हम लोग बातें कर सकते हैं। तब तंग सोले सोले अपने हाथ को लूज कर देता है और जंगकुक को फ्री कर देता है। तब जंगकुक जब अपने वॉइस के अंदर कोई भी हाथ फिल नहीं करता है तब वो तुरंत तन के पास जाता है जो गुस्से में था। तब जंगकुक उसके फेस को बहुत ही प्यार से रफ करने लगता है। फिर जंगकुक उसे अपने काम वॉइस में कहते हैं, प्लीज़ मॉम के ऊपर गुस्सा मत करना, सिर्फ मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारे साथ कुछ भी उल्टा सीधा हो जाए। ओके, मैं तुम्हारे साथ बाद में बातें करती हूँ, प्लीज़ अब यहाँ से जा सकते हो। तब तन गुस्से में कहते हैं, अगर ये पर्सन आपको फिर से फोर्स किया तो फिर मैं उसे मार डालूँगी। तब तुरंत जंगकुक कहते हैं, तुम्हें पता है ना बड़ों के बीच में बातें नहीं करना चाहिए, चुपचाप जाओ यहाँ से। तब तन फिर से जंगकुक की तरफ देखते हुए अपने रेड आइस के साथ कहते हैं, प्लीज़ आप यहाँ से बाहर क्यों नहीं जाते हैं, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा बैड है, आपको क्यों ये एवरीडे फोर्स करता है। तब जंगकुक कहता है, तुम सिर्फ पेट की हो, इतनी ज़्यादा बातें मत करो। तब तन कहता है, और मैम इसी वैसे सब कुछ समझ सकती हूँ कि आपके साथ क्या हो रहा है। तब जंगकुक कहता है, वो सुन लेगा, अब चलो यहाँ से। और एक अगर जंगकुक तन के हाथ को पकड़ लेता है। तब तन अपने कोल वर्स में कहता है, तुम सन और मॉम क्या उस पर करके बातें कर रहे हो। तब जंगकुक नर्वस स्माइल के साथ कहता है, मैं उसे समझा रहा था। फिर जंगकुक तन की तरफ देखता है और वो अपने कोल वर्स में कहता है, मैं खुद अपने एक दिन हाथों से इस पर्सन को मार डालूंगी। और एक अगर तन गुस्से से जंगकुक के हाथ को अपने हाथ से छुटा लेता है और रूम से बाहर चला जाता है। पर वो बाहर जाने के बाद वो रोते हुए सीधा जिमिन के पास चला जाता है, क्योंकि जिमिन ही एक पर्सन था जिसकी थोड़ा बहुत बातें शुगर सुन लेता है, क्योंकि वो दोनों एक साथ पहले लवर्स था। तो फिर सिर्फ जिमिन ही थोड़ा सा यहाँ पर हैप्पी था। फिर तन जिमिन के पास जाने के बाद रोते हुए जिमिन को हक कर लेता है। तब जिमिन कॉन्फ्यूज था, वो अभी भी तन को अपनी गोद में रखा था जो जिमिन के पास हैप्पीली रह रहा था। तब जिमिन कॉन्फ्यूज होकर निशे की तरफ देखते हुए कहता है, तन क्या हुआ है, तुम इस तरह से रो क्यों रहे हो। तब तन रोते हुए कहता है, फिर से वो हार्टलेस पर्सन मेरी मॉम को फोर्स करेगा। तब ये सुनकर जिमिन खुद भी थोड़ा सा सैड हो जाता है। फिर जिमिन तन की यार को रफ करते हुए कहता है, तन प्लीज़ समझने की ट्राई करो, वो लोग अब बिग हैं और वो लोग जो चाहते हैं वो कर सकते हैं और हम लोगों को उन लोगों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तब तुरंत तन कहता है, पर वो मेरी मॉम को फोर्स करता है और मेरी मॉम हार्ट होता है। तब जिमिन और भी ज़्यादा सैड हो जाता है। फिर वो कहता है, मैं कहा हूँ ना यहाँ पर हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तब तन गुस्से से कहता है, क्यों नहीं कर सकते हैं। तब तन के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर तन रोना स्टार्ट कर देता है। तब जिमिन उसे चुप करने की ट्राई करता है। तब तन जो और भी ज़्यादा सैड हो जाता है कि वो खुद जो चिल्ला रहा था और इस वजह से उसकी सिस्टर भी अब रोने लगा है। पर कुछ मिनट बाद ही वो रोना बंद कर देता है और वो अपनी थम को शक करने लगता है। तब इसे देखकर जिमिन स्माइल करता है। फिर जिमिन कहता है, हम लोग इसलिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो जो चाहता है हम लोगों को सब कुछ सहना होगा, वो एक पावरफुल पर्सन है और इसी वजह से हम लोगों को सिर्फ चुपचाप उसकी बातों को सुनना पड़ रहा है और कोई भी रीज़न नहीं है। तब इस सुनकर तन और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में आते हुए कहता है, मैं सच में एक दिन उस पर्सन को मेरे हाथ से मार डालूंगी। तब जिमिन तुरंत कहते हैं, तुम उसके सन हो, इस तरह से कैसे बातें कर सकते हो तुम। तब तुरंत तन कहते हैं, वो कभी भी डैड होने की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाया है। तब जिमिन अपने काम वॉइस में कहते हैं,
पर फिर भी तब तुरंत नहीं कहता है, एक हार्टलेस पर्सन मेरी डैड नहीं हो सकता है, सिर्फ मैं थोड़ा सा और वीक बन जाऊँ और उसके बाद मैं खुद एक दिन उसे मार डालूंगी। तब जिमिन तुरंत उसकी मौत को अपने हाथ से कवर कर लेता है और कहता है दोबारा से बात को रिपीट मत करना। तब तन समझ पा रहा था कि जिमिन बहुत ही ज़्यादा घबरा रहा था कि कोई अगर तन को जाकर इस बारे में बोल दिया तो फिर बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा। फिर तन हाँ में अपने सिर हिला देता है। तब जिमिन स्माइल करते हुए कहता है ओके गुड बॉय, अब से मेरी बातों को सुनकर चलोगे ठीक है, और उन लोगों के बीच में आने की टाइम मत करो। तब तन सिर्फ गुस्से से कहते हैं अगर फिर से ऐसे कुछ भी हुआ तो फिर मैं नहीं छोड़ूंगी। तब जिमिन एक लंबा सांस छोड़ता है और सिर्फ हमें अपना सिर हिला देता है और जिमिन बातों को पलटने की ट्राई करता है और वो तन के साथ बहुत ही ज़्यादा हैप्पीली बातें करने लगता है और पूरी तरह से टॉपिक को चेंज कर देता है। और कुछ देर बाद वो लोग ब्रेकफास्ट करके फिर से जिमिन और जिन तन और तियान के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था क्योंकि उन लोगों को और कोई भी वर्क नहीं था और शुगा और आर्यम ऑलरेडी अपने वर्क के लिए चला गया था। पर 3 आवर बाद जाकर तंग भीम जो जंगू के रूम से बाहर आ जाता है और वो आने के बाद सिद्धम अपने कोल्ड फिस्ट के साथ अपने रूम की तरफ चला जाता है और रूम से जल्दी से रेडी होकर अपने वर्क के लिए जाने के लिए जब निकल ही रहा था तभी तुरंत जिन कहता है तंग तुम अपने ब्रेकफास्ट, तभी तंग उसे काट देता है और कहता है मैं फुल हूँ। और एक अगर तंग वहाँ से चला जाता है तब तन तंग को देखकर जल्दी से दौड़ते हुए अपने रूम की तरफ जाता है। तब वो रूम में जाने के बाद देखता है जंगू खुद को डुबिट से कवर करते हुए पीसफुली सो रहा था। तब तन जंगू के पास तुरंत बेड पर उठते हुए जाकर जंगू के फेस को अपनी सॉफ्ट हैंड से टच करता है और उसके फेस को रफ करने लगता है। तब जंगू टायर्ड था पर वो अपने आइस को सोले सोले ओपन करता है और वो जब अपने सन को अपने सामने देखता है तब वो स्माइल करते हुए कहता है तन तुम, तब तन अपने शेकिंग वॉइस में कहता है अब ठीक हो। तब तुरंत जंगकुक उठकर बैठने की ट्राई करता है और वो सोले सोले बैठते हुए कहता है हाँ मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, तुम्हें ऐसा क्यों? तभी तन जंगकुक की नेक को टच करता है जहाँ पर बिग हिकिस था। तब तन अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है ये मर क्या वही हार्टलेस ने दिया है। तब जंगकुक अपनी काम वॉइस में कहता है हार्टलेस कहना बंद करो, ट्राई करो डैड कहने की क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ तुम दोनों कोई भी फाइट करो। तब तुरंत तन कहता है पर वो ये हार्टलेस है, आपको इतनी ज़्यादा हार्ट कैसे कर सकता है? तब जंगकुक कहता है वो मुझे हार्ट नहीं किया है। तब तन कहता है मुझे पता है वो आपको हार्ट किया है। तब जंगकुक स्माइल करते हुए तन को हक कर लेता है और कहता है ज़्यादा फिक्र मत करो, देखो मैं ठीक हूँ और हाँ वो मुझे फोर्स किया है पर कोई बात नहीं, ये सब कुछ नॉर्मल है और तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है ओके। तब तन कहता है मैं सच में उस पर्सन से हेट करती हूँ। तब जंगकुक कहता है तुम आगे से हेट नहीं करोगे और तुम हमेशा उसके साथ स्वीट बनने की ट्राई करोगे। तब तन कहता है क्यों मैं करूँगी? तब जंगकुक कहता है मैं बोल रही हूँ इस वजह से तुम करोगे और तुम्हें करना है, मेरी बातों को तुम्हें सुनना होगा। तब तन गुस्से में आ जाता है और वो फिर से मना करना ही वाला था तभी जंगकुक कहता है मेरी बातों को सुनो, मैं जो कह रही हूँ सिर्फ तुम्हें वो फॉलो करना है। तब तन गुस्से में कहता है ओके डन मैं करूँगी पर मैं उसके साथ बातें नहीं करूँगी ना तो कभी भी उसे मैं डैड भी कहूँगी, मैं सिर्फ उसे इग्नोर करूँगी। तब जंगकुक कहता है सिर्फ उसके साथ ज़्यादा फाइट मत करो। तब तुरंत तन अपना आइस को रोल कर लेता है। तब जंगकुक अपने मन में कहता है ये दोनों डैड और सन है पर फिर भी इन दोनों की रिश्ता एकदम एक एनिमी की तरह है जो दोनों ही एक दूसरे के साथ सिर्फ फाइट करना चाहता है, जैसे ये दोनों एक दूसरे को मारने के लिए पूरी तरह से क्रेज़ी हैं। फिर जंगकुक स्माइल करते हुए कहते हैं ओके अब मेरे साथ थोड़ा सा हक करके रहो, देखो मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ। तब तन कोई भी आंसर नहीं करता है पर वो हक को भी ब्रेक नहीं करता है और वो दोनों ही एक दूसरे को ऐसे हक करके रखता है। पर तन की दिल में अब तंग के लिए और भी ज़्यादा हेट बढ़ रहा था, ऐसा नहीं था कि तन उसे हेट करता था पर वो उस मन से सब कुछ नोटिस कर रहा था और दिन दिन अब उसकी हेट बढ़ रहा था और वो अपने हेट को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था क्योंकि पहले तो
उसकी सिस्टर हमेशा तंग उनकी अटेंशन चाहता है, पर तंग हमेशा उसे इग्नोर कर देता है और उसके साथ कोल्ड टोन यूज़ करता है। एक रीज़न था जिस वजह से तंग को अब तंग हेट करता है, और उसके साथ भी तंग सेम ही था। और जंगकुक के साथ ऐसा बिहेव करना जंगकुक को इस तरह से देख कर तंग को और भी ज़्यादा बुरा लगता है, और इसी वजह से वो कुछ मन से तंग के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा बिहेव कर रहा था, जिस वजह से तंग खुद भी इरिटेट था। पर तन इस बारे में कभी भी क्या नहीं करता है, क्योंकि उसे पता है उसके डैड सिर्फ और सिर्फ एक हार्टलेस है। ओके एवरीवन, इसके लिए बस इतना ही।